कीर समाज विकास समिति राजस्थान के संगठन को विस्तार करते हुए पुणे की कार्यकारिणी का विस्तार युवाओं के हाथों में सौंपी। कीर समाज विकास समिति राजस्थान के बैनर तले संगठन का विस्तार करते हुए समिति के सलाहकार नरेंद्र कीर, समिति के अध्यक्ष धर्मवीर कीर, उपाध्यक्ष पीराराम कीर, आईटी संयोजक विक्रम कीर के सानिध्य में कार्यकारिणी बनाई गई। प्रदेश टीम का भव्य स्वागत पूना में किया गया। साथ ही नई बनी कार्यकारिणी का भी स्वागत सत्कार कर जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान समाज उत्थान हेतु मंथन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मवीर कीर ने कहा कि पूरे समाज को एकजुट करके समाज का मजबूत संगठन बनाने की मुहिम चलाई गई। कई जगह की कार्यकारिणी बन गई, बाकी जिलों के लिए भी संगठन के विस्तार के लिए प्रयास किया जा रहा है। समाज को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने, बालक बालिकाओं को शिक्षा देने, समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को राजनीतिक पार्टियों में भागीदारी दिलाने हेतु भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज आगे बढ़ेगा, तभी समाज का राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। समिति के सलाहकार नरेंद्र कीर ने कहा, अब समय आ गया है, समाज को एकजुट करने में ही फायदा है, तभी हमारा समाज का विकास हो सकता है। राजस्थान सरकार हमेशा कीर समाज को हमेशा दरकिनार करती आ रही है। आज पूरे राजस्थान में हमारा समाज जागृति की ओर है और जगह जगह सरकार को ज्ञापन देकर अवगत भी करा रहा है। अगर समाज का विकास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर करना चाहते हो तो शिक्षा जागृति और समाज की जागृति जरूरी है, तभी हमारे समाज बंधु अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। राजस्थान के जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं, उन्हें पूरे जोश के साथ समाज का समर्थन किया और आने वाले समय में और समाज को मजबूत करने का लक्ष्य रखा। कार्यक्रम में कई समाज बंधुओं ने भी अपने विचार व्यक्त कर समाज को संदेश दिया कि संगठन में ही शक्ति है। शहर और आसपास के ग्रामीण वहाँ पर इकट्ठा होकर समाज की एकता का परिचय देते हुए संगठित होने की बात कही। कीर समाज विकास समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष पीराराम कीर ने शिक्षा की मुहिम प्रत्येक घर तक पहुँचे उसके लिए समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए हर घर में शिक्षा की अलग जगाने की बात कही। समाज के प्रत्येक लड़का लड़की पढ़ेगा तभी समाज का विकास संभव होगा। शिक्षा पर जोर देते एवं समाज एकजुट व संगठित होने, समाज के लोग राजनीतिक भागीदारी लें, उसके लिए चर्चा की गई। सोशल मीडिया आईटी संयोजक विक्रम कीर ने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी समाज बंधुओं से जुड़ने की अपील की। वहीं एक मंच पर आने की बात कही। वहीं समाज की प्रत्येक खबर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर समाज में जागृति लाई जा सकती है। कार्यकारिणी में इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। अध्यक्ष लक्ष्मण कीर मानपुरा, उपाध्यक्ष दिनेश कीर जसवंतपुरा, महामंत्री नरसिंह कीर कालाऊना, सचिव सोहनलाल कीर, सचिव तेजाराम कीर जसवंतपुरा, कोषाध्यक्ष राजूराम कीर रावताजी, कोषाध्यक्ष राजूराम कीर जसवंतपुरा, मीडिया प्रभारी सुरेश कीर, महामंत्री सोहनलाल कीर देसूरी, प्रचार मंत्री रामलाल कीर दुधनी, श्यामलाल कीर, सोशल मीडिया प्रभारी रमेश कीर, सलाहकार नेमाराम कीर जसवंतपुरा, सलाहकार आसूराम कीर बलवना, कार्यकारिणी सदस्य हेमराज सोलंकी आदि को जिम्मेदारी दी गई। समाज विकास समिति राजस्थान के बैनर तले आज पुणे में बैठक रखी गई थी। बैठक के दौरान सभी समाज बंधुओं, पंच पटेलों और नवयुग मंडल के जो पदाधिकारी बैठे हैं उनकी सबकी सहमति से आज पुणे की कार्यकारिणी बनाई है। जो भी पदाधिकारी हमारे समाज के बने, उन सभी पदाधिकारी को कीर समाज विकास समिति प्रदेश संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें आशा है आज संगठन मजबूत होते जा रहा है, कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए आगे पूरे प्रदेश भर में राजस्थान के लगभग 26 जिलों में हमारे कीर समाज रहती है। 26 जिलों में लगभग 4 या 5 जिलों में अभी कार्यकारिणी हमारी गठित हो चुकी है। हमारा प्रयास 2-3 महीने में पूरे प्रदेश भर में प्रवास करके प्रदेश का संगठन मजबूत करके कीर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारे समाज का हर व्यक्ति होनार आगे बढ़ते हुए समाज को आगे ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करे और समाज का नाम रोशन करे, यही आशा करते हैं हम सभी। आप सभी सहमति दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ खड़ा करके सभी का हौसला उत्साहित करो कि हम सब आपके साथ हैं।
सबका साथ सबका विकास, अमूल्य समय दियो उन वास्ते समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और आप रो प्यार जो आज दियो है वो निरंतर सदियों तक ऐसे ही बढ़ाई दो। शांति बना रखो प्लीज। नमस्कार, राम राम। राम राम सर, मेरा नाम विक्रम है, विक्रम कीर है और मैं स्वरूपगंज सिरोही डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और कीर समाज विकास समिति में आईटी सह संयोजक के पद पे कार्यरत हूँ और एग्रीकल्चर कंपनी में मैं काम करता हूँ। तो आज अपने जो ये कीर समाज समिति बनाई गई है अपने समाज के लिए, जो मतलब अपने कीर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी एक समिति बनाई है उसको आगे कैसे अपन लेके जाए इसके लिए चर्चा के माध्यम से अपन यहाँ पे एकत्रित हुए पूना में। इसलिए सभी सबसे पहले तो पूना को, पूना वाले को, सभी नवयुवक मंडल को मेरी तरफ से और समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती से कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे आए। धन्यवाद। देखो आप जो मनाज पद दो उपाध्यक्ष रहो पूना समाज रहो, तो आपने सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जो मारो कार्यकार है, जो मैं काम करूँगा, आप जो मन काम दे ला आगे वो मैं काम करूँगा और सबके वास्ते हित रख उन्हें हित में काम करूँगा। उनमें कोई कमी रहे, कोई भी रहे तो आप सब लोग कह सको मने बिंदास कदी टाइम मना कॉल कर दीजिए, कहीं टाइम बोल दीजिए। बाकी रहो, धन्यवाद सर।